करव्ड सर्फेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट फाइव सेंटीमीटर इज़ 94.2 फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर तो मान लेते हैं हमारे पास ये है एक सिलेंडर uh, इस सिलेंडर में uh, ये है रेडियस जो कि हमें फ़ाइंड करनी है और ये है सिलेंडर की हाइट जो कि फाइव सेंटीमीटर गिवन बन है एंड सिलेंडर का करवड सर्फेस एरिया की है ओके कर्वड सर्फेस एरिया ये सर्फेस होता है जैसे मैं फ़िलहाल पॉलिश कर रहा हूँ दिस इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया ओके एक ये सरफेस है जिसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और एक ऊपर का सरफेस है जो कि सर्कुलर है और उसको भी फाइंड करने का एरिया है पाई आर स्क्वायर तो ऊपर और नीचे जो ये सर्कुलर सर्फेस है इनके एरिया area, एरियाज़ की बात नहीं हो रही है ओके okay? इन्होंने सिर्फ हमें कर्वड सर्फेस एरिया दे रखा है जो कि ये साइड का सर्फेस होता है ओके okay? किसी भी सिलेंडर में जो पूरा साइड का सर्फेस होता है उसको बोलते हैं कर्वड सर्फेस एरिया तो ये कर्वड सर्फेस एरिया इन्होंने बता रखा है नाइन्टी फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अब कर्व सर्फेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है टू पाई आर एच सिलेंडर का कर्वड सर्फेस एरिया होता है टू पाई आर एच इसकी वैल्यू गिवन है नाइन्टी फोर पॉइंट टू हमें इसकी हेल्प से रेडियस निकालनी है तो आप टू को टू लिख दो पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर लिख दो क्वेश्चन में गिवन भी रहती है अगर गिवन ना हो तो आप ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन या थ्री पॉइंट वन फोर जो भी आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो नाउ रेडियस वी हैव टू फाइंड एंड हाइट की वैल्यू गिवन है फाइव इज़ इक्वल्स टू नाइन्टी फोर पॉइंट टू नाउ अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा सिक्स पॉइंट टू एट सिक्स पॉइंट टू एट मल्टीप्लाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई आर इज़ इक्ल्स टू नाइन्टी फोर पॉइंट टू अब आप uh, इन दोनों वैल्यूज़ को भेज दो आप राइट साइड में तो नाइन्टी फोर पॉइंट टू ये दोनों वैल्यूज़ जो कि आर को मल्टीप्लाई कर रही थी अगर आप इनको राइट right में लाते हो तो ये डिवाइड करेंगी सिक्स पॉइंट टू एट और फाइव ये डिवाइड करेंगे अब डेसिमल्स को सिम्प्लीफ़ाई करना अगर आपको ना आता हो तो मैं अलग पेज पर दिखा देता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करोगे डेसिमल वैल्यूज़ को नाइन्टी फोर पॉइंट टू को हमें डिवाइड करना है सिक्स पॉइंट टू एट मल्टीप्लाइड बाई फाइव से अब इस नंबर में आप देखो डेसिमल एक डिजिट के बाद है सी इस डिजिट के बाद डेसिमल है डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है ये चीज़ हम राइट से काउंट करते हैं आ, यहाँ पर इस नंबर में जो डेसिमल है वो दो डिजिट्स के बाद है वन टू एंड ये आ गया डेसिमल ओके तो अगर डेसिमल्स को रिमूव करना है तो इन दोनों नंबर में जो डेसिमल होना चाहिए वो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद होना चाहिए यहाँ अगर आपने देखा तो डेसिमल दो डिजिट्स के बाद है यहाँ आपने देखा तो डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो ऐसे ही डेसिमल्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों में डिफरेंट है तो पहले इनको इक्वेट कर लो अगर आप यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दो ना जीरो डेसिमल के बाद में लास्ट में आप जीरो ऐड कर सकते हो ये अलाउ है आपको अगर आप ऐड कर दो तो आप देखो यहाँ पर भी दो डेसिमल दो डिजिट्स के बाद है यहाँ भी दो डिजिट के बाद है आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हो ये डेसिमल हटेगा ये हटेगा तो बचेगा नाइन फोर टू जीरो एंड ये हो जाएगा सिक्स टू एट फाइव ओके आई होप आप सॉल्व कर लोगे इसको लेकिन फिर भी मैं कैसे सॉल्व करना है ये बताने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है ओके चलिए सिम्प्लीफाई करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम थ्री वन फोर से थ्री वन फोर टू टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो थ्री वन फोर से थ्री वन फोर थर्टी टाइम्स ओके अब ऊपर है थर्टी नीचे है फाइव टू टाइम्स टेन तो थर्टी अपॉन टेन मतलब थ्री हो जाएगा ओके okay? तो रेडियस आ जाएगी थ्री सेंटीमीटर्स आई होप यू आर गेटिंग इट मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट इफ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन